कर्नाटक में बीजेपी का संकट सुलझ चुका है। जगदीश शेट्टार कर्नाटक के नए सीएम होंगे और कल उनका शपथ ग्रहण होने वाला है। मंगलवार को दिन भर चले ड्रामे के बाद शेट्टार विधायक दल के नेता चुने गए। आज दोपहर सदानंद गौड़ा राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप देंगे। आखिरी समझौते से पहले जेटली और राजनाथ के साथ दोनों गुटों की लंबी बातचीत हुई। येदियुरप्पा 69 विधायकों के साथ होने का दावा कर रहे हैं। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पीएस संगमा समर्थन जुटाने मुंबई पहुंचे। मुंबई में संगमा का बीजेपी नेताओं ने जोरदार तरीके से स्वागत किया, लेकिन संगमा को यहां से मायूसी लौटना पड़ा। संगमा को उम्मीद थी कि शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे, एमएनएस नेता राज ठाकरे और एनसीपी के नेताओं से मिलकर समर्थन मांगेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। हालांकि संगमा ने शिवसेना, एमएनएस और एनसीपी से समर्थन की अपील की है। बिहार में बीजेपी और जेडीयू के बीच दूरियां बढ़ती जा रही हैं। बीजेपी नेता और उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने जेडीयू नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लक्ष्मण रेखा ना पार करने की हिदायत दी है। नीतीश कुमार ने बीजेपी को चुनौती देते हुए कहा था कि बीजेपी जिस जेडीयू के नेता को ले जाना चाहे ले जाए। मोदी ने नीतीश को सलाह देते हुए कहा कि 16 साल पुराना गठबंधन है, इसलिए इसका पालन करना चाहिए। मध्य प्रदेश में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष प्रभात झा और नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह के बीच राजनीतिक टकराव तेज हो गया है। प्रभात झा ने अजय सिंह पर उनके शहर चुरहट में आदिवासियों की जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया था, जिसके जवाब में अजय सिंह ने प्रभात झा पर 10 करोड़ का मानहानि का मुकदमा ठोक दिया था। हालांकि प्रभात झा का दावा है कि उनके पास पक्के सबूत हैं और इस मामले की शिकायत लोकायुक्त से वो करेंगे। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सियासी हलचल शुरू हो गई है। शिरोमणि अकाली दल ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी से 12 सीटों की मांग की है। प्रदेश में पार्टी के मुखिया भूपेंद्र सिंह भिंडर को भरोसा है कि इस बार अकाली दल पंजाब के बाहर भी करिश्मा करेगी। हिमाचल में भी सिखों की खासी तादाद है।